अब बात अगले मुख्यमंत्री की करते हैं जिनकी तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पेशी का समन भेजा है, सातवां समन, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सातवीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी के एक्शन को लेकर आगे का प्लान बना लिया है। उनके साथ आप उनकी पत्नी की तस्वीर देख रहे थे, क्योंकि झारखंड में फेरबदल पर अटकलें तेज हो गई हैं। और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आज तक पर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि गिरफ्तारी की नौबत अगर आती है तो इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन। और फिर कल्पना सोरेन, जो कि उनकी पत्नी है, उन्हें बनाया जा सकता है नया मुख्यमंत्री झारखंड का। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, और वो उसकी वजह भी है कि एक ऐसी सीट जो कि सेफ सीट मानी जाती है जेएमएम के लिए, वहां के विधायक ने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद से वहां पर परिस्थितियां बन रही हैं कि उनकी पत्नी वहां से, अगर नौबत ऐसी आती है तो वहां से वो इलेक्ट हो और सीएम बने। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये हैं कल्पना सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी। बीते 24 घंटे से झारखंड की सियासत में बदलते घटनाक्रम के बीच यही चेहरा सुर्खियों में है। कुछ भी चीज आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चर्चा यही है कि झारखंड की कमान किसी भी वक्त कल्पना सोरेन के हाथों में आ सकती है, यानी जांच एजेंसी ईडी के कसते शिकंजे को देखते हुए हेमंत सोरेन ने प्लान बी तैयार कर लिया। मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में समन की नाफरमानी पर ईडी का एक्शन हो, लिहाजा ईडी के एक्शन से पहले ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को कुर्सी ट्रांसफर करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया तो कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम। इधर चट गिरफ्तारी तो उधर पट नया सीएम। सरफराज अहमद, जो कि सीजन्ड कैंपेनर हैं, वेटरन नेता हैं, जेएमएम के टिकट पर 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था गांडे कंस्टिट्यूएंसी से, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से। इसके पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, 1984 में सांसद भी थे, यानी लंबे तजुर्बा वाले नेता। जैसे ही उन्होंने 1 जनवरी को धमाका किया इस्तीफा देकर, उसके बाद कई तरह के कयास और जो एनालिसिस होता है यानी आकलन पॉलिटिकल सर्कल में शुरू हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर के आखिरी महीने में जब हेमंत सोरेन को ईडी का सातवां समन मिला, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने आगे की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत बीते दिन पार्टी के सीनियर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया। सरफराज झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, ये सीट सेफ है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कल्पना सोरेन पहले सीएम बनेंगी और फिर गांडे सीट से चुनाव लड़ सकती है। हेमंत सोरेन के प्लान पर कल की अहम बैठक में मुहर लगाई जाए। कल की बैठक में क्या होगा आपको थोड़ी देर में बताएंगे, उससे पहले आपको कल्पना सोरेन के बारे में बताते हैं। ऐसे ही हम लोग दुपट्टे पहनते थे, दिस इज द काइंड ऑफ अ सूट वी यूज्ड टू वेयर, सूट दुपट्टा। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आज ये करना है, आज वो करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी है, सब कुछ है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत। यही है हेमंत सोरेन की कल्पना, एक लाइन में अपनी शख्सियत के बारे में बता दिया। भले ही कल्पना सोरेन की जन्मभूमि और कर्मभूमि रांची हो, लेकिन मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। कल्पना की शादी 2006 में हेमंत सोरेन के साथ हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी कल्पना अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नजर आती है। सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के अंदाज और विचारों को बहुत सराहा जाता है। जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सोरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी। आपके चेहरे का जो चमक है, आपके शरीर की जो बनावट है,
वो आपको ईश्वर ने दी है, लेकिन आप खुद में ईश्वर हैं, क्योंकि आप एक जननी है, आपसे आने वाली पीढ़ी बनेगी, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हार हार के एक बार, दो बार, तीन बार, आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए, अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर गिर के ही सीखा है। कल्पना एक बिजनेस वुमन है, एक प्ले स्कूल चलाती हैं, लेकिन बिजनेस वुमन के साथ साथ मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद सादगी से रहती हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब कल्पना सोरेन चूल्हे पर घर वालों के लिए खाना बना रही थी। ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। वैसे कल्पना सोरेन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपना आत्मविश्वास जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आत्मविश्वास ही आपको बचाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप एजुकेशन की सारी एकेडमिक्स डिग्री हासिल कर ले, कुछ भी बन जाइए, टॉप के ऑफिसर बन जाइए, नेता बन जाइए, पुलिस ऑफिसर बन जाइए, कुछ भी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीती हुई चीज भी आप ही के वजह से आप हार जाइएगा। तो ये अंदाजे कल्पना सोरेन है, और अटकलें हमने आपको बता ही दी। झारखंड में जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया है, वो आपको बता दें। नए सीएम की चर्चा पर कांग्रेस पार्टी जो कि बयान दे रही है, आज तक से बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष, कल्पना सोरेन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, कल्पना के नाम का प्रस्ताव नहीं आया है, अगर मुख्यमंत्री बदला तो बैठक में तय होगा। आपको बता दें कांग्रेस के साथ वहां हेमंत सोरेन की सरकार है, और ऐसे में सीएम की चर्चा पर कांग्रेस का यह बयान आया। देखिए, किसी के इच्छा पे नहीं निर्भर करता है। निश्चित रूप से सभी दल के जब साथी बैठेंगे और ऐसी कोई बात हम लोगों के सामने आएगी, तब ये निर्णय लिया जाएगा कि चेंज ऑफ गार्ड होगा या क्या हो सकता है। अभी उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दिया है और कहा है कि झारखंड हित में, जनहित में हमने ये फैसला लिया है। अब वो क्या हित है, इसको जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तब चर्चा करके तय करेंगे। कोई इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से बैठक में सारी बातें तय होंगी, और जब तक गठबंधन की बैठक नहीं होती है तब तक के इस तरह के स्पेकुलेशन का कोई आधार नहीं। सत्यजीत, दो प्रश्न, प्रश्न तो एक ही है, उसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि ईडी के सवालों का जवाब देने के बजाय हेमंत सोरेन 7 बार के समन्स को नकार कर प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा क्यों? प्रश्न का दूसरा हिस्सा, कांग्रेस आरजेडी के साथ जेएमएम में उनकी अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या सभी साथियों को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है? ऑफ रिकॉर्ड क्या बता रहे हैं आपको उनके साथी? देखिए, बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन के मूड में साफ दिखते हैं हेमंत सोरेन, और उनका कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है वो यही है कि बड़े नेता के रूप में, बड़े ट्राइबल नेता के रूप में उभरना चाहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अगर ये कहेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी कहा था जब पहला संबंध 2022 में मिला था, कि ट्राइबल हैं इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि एक ट्राइबल जब मुख्यमंत्री बनता है तो उसको किस तरह से परेशान केंद्र की सरकार या फिर एजेंसीज को इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और यहाँ पे असेंबली पोल्स भी इसी साल शेड्यूल्ड हैं 2024 के अंत में, तो ये कहीं ना कहीं वो मौका के रूप में देख रहे हैं कि अगर उनको कोशिश की जाती है किसी तरह से कि उनके खिलाफ चार्जशीट हो या उनको जो है अरेस्ट किया जाए, तो ये कहेंगे कि बार बार जब हमने 2022 में सब अपना हिसाब किताब दे दिया था, डिक्लेरेशन दे दिया था, ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए वहां गए थे, उसके बाद भी अगर ये किया जा रहा तो परेशान करने के लिए और कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है गेन करने की कोशिश पूरे देश भर में संदेश भेजने की, तो इसे स्ट्रैटेजी सिंपथी भी कहा जा सकता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको वाकई गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर लोग उनके समर्थन में सामने आएंगे और वोटों का फायदा होगा। बहरहाल, देश के दो मुख्यमंत्रियों के लिए अगले 72 घंटे अहम है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि अगर कोई घोटाला नहीं किया तो डर कैसा, तो विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के दम पर मोदी सरकार अपने विरोधियों को डरा रही है।
झारखंड की राजनीति को लेकर आज तीन बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पहला, हेमंत सोरेन ने ईडी को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेजा है। दूसरा ये कि झारखंड सरकार में शामिल घटक दलों की अहम बैठक बुलाई गई है। और तीसरा ये कि ईडी ने अगले एक्शन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, मतलब ये अगले 24 घंटे झारखंड की सोरेन सरकार के लिए बहुत अहम है। अभी 29 दिसंबर को ईडी ने जब 6 सम्मन स्किप किया हेमंत सोरेन ने, तो साफ तौर से एक जो है पत्र लिखा, कड़ा पत्र, जिसमें ये कहा गया कि 2 दिनों के अंदर आप ये बताएं कि टाइम, डेट और वेन्यू क्या होगा, और 7 दिनों के अंदर आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होगा, वरना जो है पीएमएलए के धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। और ये भी बताया जा रहा है, ये भी सूचना है लोगों के, उनके पास, कि कहीं ना कहीं उनके पास सब्सटेंस है जिसको लेकर पूछताछ करना चाहते। दरअसल लैंड स्कैम केस में हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब गेंद ईडी के पाले में है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने कल यानी 3 जनवरी को अपने आवास पर शाम 4:30 बजे गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के नाम पर मुहर लगवा सकते हैं। हालांकि ईडी का समन स्किप करने और पत्नी कल्पना को सीएम बनाने की चर्चाओं पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार का जाना तो ऐसे भी तय है, मुख्यमंत्री बदल भी जाए तो भी ये सरकार ना चलने वाली है, क्योंकि लूट और भ्रष्टाचार का जो 4 वर्षों का खेल रहा ना, तो कहते अतिकांत होता है, और मुख्यमंत्री जी के भी इस राजनीतिक साम्राज्य का अंत निकट है। जो संवैधानिक एजेंसियों के मार्फत से जिस तरह का कवायद किया जा रहा है, उसमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, हर परिस्थिति से। इस मुगालते में विपक्ष के लोग न रहे कि ये इस सरकार को अस्थिर कर देंगे या सरकार को गिरा देंगे या किसी व्यक्ति विशेष को ये कुछ हानि पहुंचा देंगे। पूरी तरह से पार्टी सशक्त है, एकजुट है। हेमंत सोरेन ने सुबह एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली और फिर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, उनका सील बंद लिफाफे में जवाब पहुंचा। हालांकि हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल सिर्फ इस बात से नहीं है कि ईडी उन्हें बार बार समन कर पूछताछ के लिए बुला रही है, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात से है कि ईडी अलग अलग मामलों में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। यानी कि अगर किसी मामले में हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत मिल भी जाती है, तो दूसरे मामले में हेमंत सोरेन को ना सिर्फ ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, बल्कि सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो राज्य में अवैध खनन हो या जमीन घोटालों से जुड़े हुए मामले हों, इन सभी मामलों में ना सिर्फ हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है, बल्कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि हेमंत सोरेन के करीबियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब ईडी की तरफ से अगले कदम की प्लानिंग शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि ईडी के बुलावे पर नहीं जाएंगे। इसी बीच विपक्ष की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक। तो ये आरजेडी की तरफ से आप देख रहे थे, जिनका ये कहना है कि 22 जनवरी तक इनकी आशंका के मुताबिक अभी ये तमाम एजेंसियां और सक्रिय होंगी। तेजस्वी यादव तक पर उन्होंने
आने वाले वक्त में समन की बात की, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता दें, ईडी के समन पर हेमंत सोरेन के जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब भेजा है। जवाब में ईडी के समन को गैर कानूनी बता दिया है। जमीन घोटाले में ईडी जांच को बताया पक्षपात पूर्ण। सीएम सोरेन ने ईडी पर गंभीर सवाल उठाए हैं, ईडी पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, मुनीष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीष, यथास्थिति बताइए ईडी की जांच की और पॉलिटिकल बातें तो बाद की, क्योंकि हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं। 7 समन के बाद भी वो प्लान बी तैयार कर रहे हैं पत्नी को सीएम बनाने का, और शायद खुद अरेस्ट के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त हेमंत सोरेन जो है सारे कानूनी दावपेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईडी के समन से बचा जाए। इसी के लिए जब ईडी लगातार एक जमीन से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती, तो 7 समन हो चुके हैं, लेकिन हर बार हेमंत सोरेन उसका जवाब जरूर देते हैं, लेकिन जवाब में ये नहीं बताते कि आखिरकार किस दिन वो ईडी के सामने आएंगे और किस दिन वो पूछताछ का सामना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर है कि कहीं ईडी गिरफ्तारी न कर ले। जहां तक ईडी का सवाल है, ईडी साफ तौर पर कह रही है कि जो सबूत और साक्ष्य है उसी के आधार पर वो पूछताछ करना चाहते हैं। पिछला जो समन था ईडी का, उसमें साफ तौर पर ईडी ने कहा था हेमंत सोरेन को कि आप बताइए किस तारीख को और कहां पर आप चाहते हैं कि पूछताछ होनी चाहिए। उसी के जवाब में आज हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखा और कहा कि जो उनके साथ में पूछताछ करना चाहती है ईडी, दरअसल ये पूरी तरह से बायस्ड है, यानी कि पक्षपात पूर्ण है, जांच पूरी तरह से गलत है, और वो फिलहाल के लिए यह नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार किस दिन वो ईडी के सामने पेश होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कानूनी दावपेच है, दूसरी तरफ जो लगातार वो जवाब दे रहे हैं ईडी के समन का, वो यह भी दिखाता है कि वो थोड़ा और समय बाई करना चाहते हैं। ईडी ने अपनी तरफ से साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो क्या इस वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हमने ईडी से सवाल पूछा है कि क्या उनके पास में ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसके बिना पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, तो उनका हर बार यही कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। तो कुल मिलाकर यथास्थिति जैसे आप बोल रही हैं अंजना, ये बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी हेमंत सोरेन की और मुनीष देखिए वो अगला कदम क्या उठाते हैं, सबकी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि दिलचस्प है, दाव दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं हेमंत सोरेन पर। लेकिन एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की, वो आपको बता दें, बीजेपी का बड़ा हमला, सीएम बदला तो राज्यपाल से मिलेगी बीजेपी, राज्यपाल से विधि सम्मत कार्रवाई की मांग करेगी, कार्यकाल खत्म होने में 1 साल से कम का वक्त बचा है, कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाना संभव नहीं है, ये बड़ा हमला। बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में किया है, सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की, तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन जी, यानी इस प्रकार से किसी को यानी मुख्यमंत्री बनाना फिर चुनाव नहीं होना तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य के जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके।